49 तक पहुंच गया है। लगातार राज्य सरकारों के जरिए कोशिश है, शासन प्रशासन के जरिए कोशिश है कि किसी तरीके से कोरोना पर रोकथाम की जा सके, उसे रोका जा सके। आप समझिए, देश भर में अब तक 149 लोगों की मौत की खबर है और इसमें ज्यादातर लोग जो है वो 50 के पार हैं, 60 के पार हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, ज्यादातर लोग डायबिटिक हैं। लेकिन इसी बीच दुखी करने वाली खबर ये भी कि गुजरात के जामनगर में 14 महीने के बच्चे ने दम तोड़ लिया। 14 महीने का बच्चा जो कि छोटा सा होता है और अपने परिवार से ही संक्रमित हुआ था, ऐसे में देश में 149 लोगों की मौत हो गई है, 5000 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। उर्वशी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हमारे साथ। उर्वशी, लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की भी, मरने वाला आंकड़ा भी लगातार यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो महाराष्ट्र से है, मुंबई से है। क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रही हैं? जी हम आपको बता दें, अगर हम मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये वो राज्य है जहां पे आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। कल का जो दिन था ये एक बहुत ही ज्यादा डरावना हम कह सकते हैं दिन था, क्योंकि लगभग जो आंकड़ा है वो 1000 को पार कर दिया। कल अकेले जो कल 24 घंटे में हमने देखा है कि महाराष्ट्र में 150 नए केसेस आए हैं, इतना ही नहीं तो लगभग कुछ 12 मौतें हुई हैं कोविड-19 के को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और कुल मिलाकर इसमें से अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में 60 जो डेथ्स हुई है, 64 जो डेथ्स हुई है, उसमें से 40 डेथ्स मुंबई की है। और वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में मुंबई में कह रहे हैं कि हॉटस्पॉट बना हुआ है मुंबई, और यहाँ पर चुनौती बहुत ज्यादा इसलिए भी है, 3 हॉस्पिटल सील हो गए हैं, उसके डॉक्टर्स, उसके नर्स, उसके नर्सिंग स्टाफ सभी क्वारंटीन पर हैं। ऐसे में चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि हॉस्पिटल्स जब इस तरीके से सील होंगे, इस तरह से मामले सामने आएंगे तो लोगों का इलाज होगा कहां। हमने देखा था मातोश्री के बाहर भी चायवाला कल कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एहतियाब शेख भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से, साथ ही साथ लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन उर्वशी, चूंकि आज लॉकडाउन का 15वां दिन है, तस्वीरों के जरिए जरा समझाइए भी, इन आंकड़ों के बाद भी लोगों को अकल आ रही है क्या? लोग सड़कों पर तो नहीं है? हम आपको बता दें, अनफॉर्चुनेटली मुंबई की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही दुख की बात है कि लोग, सिटीजन्स जो है, समझ नहीं पा रहे हैं। बोरिवली का लिंक रोड आप देख रहे हैं और यहाँ पे अभी भी फिलहाल हम लोगों को देखते हैं बाइक पे सवार, रिक्शा पे सवार, कोई लोग मॉर्निंग वॉक्स के लिए निकलते हैं तो कई लोग इवनिंग वॉक्स के लिए निकलते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही जरूरी है अगर हम देखें कि लॉकडाउन का जो समय है उसके बाद एक्सटेंशन एटलीस्ट महाराष्ट्र राज्य में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन बोलकर भी हम लोगों को देखते हैं बाहर निकलने, एसेंशियल प्रोडक्ट, एक एसेंशियल प्रोडक्ट घर पे नहीं होगा तो उसके नाम पे उन लोग घर से बाहर जो है उतरते हैं। यहाँ की सब्जी मंडियां देखिए नॉर्मल दिन के जैसे ही दिखती है, कहीं पर भी कम नहीं। और अगर इतने आंकड़ों के बाद भी, अगर इतनी मौतों के बाद भी, अगर बाकी देशों से सबक नहीं लेने के बाद भी लोग इस तरह से सड़कों पर निकल रहे हैं ना, तो फिर शासन प्रशासन को दोष देना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। लोगों की सुरक्षा खुद के अपने हाथ में है, आप घर में रहिए, लॉकडाउन है ही इसीलिए। उर्वशी ने तस्वीरें हम तक पहुंचाई, लखनऊ का रुख मैं कर लूंगी। विजय, लॉकडाउन का 15वां दिन, लखनऊ की तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, इसमें राजधानी लखनऊ में मैं हूं और लॉकडाउन का 15वां दिन है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा आसपास की तस्वीरों को थोड़ा सा वो दिखाएं और किस तरह से अभी भी जो लोग हैं वो सचेत नहीं हुए हैं, अभी भी जो लोग हैं वो आपको सड़कों पर चलते हुए कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। यानी जाहिर सी बात है कि जो लोगों को था कि अभी कम से कम लोग सड़कों पर न निकलें वो उस चीज का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी भी मैं खड़ा हूं तो यहां पर बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए लोग यहां पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं,
है और जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं सरकार की वो लोग नहीं मान रहे हैं या उस बात को नहीं सुन रहे हैं और यही कारण है जिसकी वजह से जो राजधानी लखनऊ का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। अब तक राजधानी की हम बात करें तो 23 यहां पर आंकड़ा हो चुका है, कुल अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 343 मामले हो गए हैं, जमातियों की बात करें तो 187 मामले यहां पर जमाती जिसमें 343 में शामिल है। तो जाहिर है कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और इस बात का कल ही अंदेशा हो गया था, कल ही प्रमुख सचिव गृह ने कहा था कि जब तक एक भी मामले अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीज के आते रहेंगे तब तक लॉकडाउन। और सही भी कहा गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि लॉकडाउन का मतलब आप समझिए, अगर एक भी मामला बढ़ता है तो लॉकडाउन का मतलब कहीं से कहीं तक होता नहीं है और इसीलिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की बात भी तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों के जरिए की जा रही है। आज बड़ी बैठक भी होनी है और बड़ा फैसला भी इसको लेकर हो सकता है कि आप, लेकिन अगर लॉकडाउन के बावजूद इन 15 दिनों में भी उसका सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं आम लोग और नतीजा हम सबके सामने है, आंकड़े लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस के भी बढ़ रहे हैं, मौत के भी बढ़ रहे हैं, अब क्या जरूरत है यहाँ शासन प्रशासन सख्ती भी कर चुका, क्या बाहरी देशों से सीखना होगा, क्या उनकी तरह और सख्त कानून बनाने होंगे तब लॉकडाउन का पालन हो। देखिए रचना, जहां तक मैं मध्यप्रदेश की बात करता हूं तो पहले हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं आंकड़ों के ऊपर के, तकरीबन 325 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव मध्यप्रदेश के अंदर है, जिसमें जो हॉटस्पॉट कहे जा सकते हैं मध्यप्रदेश के वो इंदौर, भोपाल और उज्जैन, ये तीन सेंटर्स हॉटस्पॉट माने जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है वो इंदौर का है। इंदौर में अभी फिलहाल 173 मरीज पॉजिटिव हैं, लेकिन साथ ही साथ मौत का आंकड़ा जो पूरे मध्य प्रदेश का है तो वो देखा जाए तो वो भी बढ़ चुका है, लेकिन इंदौर में मौत का आंकड़ा 15 के पार पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह है रचना, जो अभी फिलहाल हालात इंदौर शहर के होते जा रहे हैं वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर या लॉकडाउन को लेकर प्रशासन बहुत सख्त हो चुका है और इस सख्ती निश्चित रूप से दिखाना जरूरी हो गई रचना, क्योंकि लोग गाय बगाए इस चीज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे थे। हमने ऐसी भी खबरें देखी कि इंदौर के अंदर कई सारे मेडिकल स्टाफ के साथ में लोगों ने अभद्रता की, लोगों ने उनके साथ में पत्थरबाजी की, लेकिन अब रचना स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। अच्छी खबर इंदौर से यह है कि 15 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 10 और ऐसे मरीज हैं जिनका कि इलाज ऑलमोस्ट ये कहा जाए कि वो डिस्चार्ज होने की कगार पे आ चुके हैं। यानी अच्छी खबर यह कि यदि आप अस्पताल पहुंच रहे हैं तो आपका इलाज निश्चित होता हुआ नजर आएगा, आपका इलाज हो रहा है, आप ठीक हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि जल्दी बताइए, वक्त रहते बताइए, घर में ना बैठिए। घर में उन्हें बैठने की हिदायत दी जाती है कि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो लोगों को इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। लेकिन रचना, जैसा सभी जगह बातचीत भी इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से हो रही थी, आप उनका भी कहना था कि जो भी नर्सिंग स्टाफ मना करता है इलाज करने से तो शिकायत मुझे कीजिए, मैं एक्शन लूंगा, और उसके बाद तेजी से अब रोकथाम के इंतजाम भी दिख रहे हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए इंदौर में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, विजय आपका शुक्रिया, एहतियाब आपका शुक्रिया, और बहुत ज्यादा ख्याल अपना।